कुछ चीज़ें नई मिलेंगी जो ऐसा लगेगा कि हाँ ऑक्सीजन और जिब्रेलिन हमने आज दिन तक सुने हैं, साइटोकाइनिन सुना है, इनके अतिरिक्त भी कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। यदि इस पीपीएट जो पीपीटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस पीपीटी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, उसके यदि पहली स्लाइड की बात की जाए तो इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इस तरीके से लिखा गया है कि थ्योरेटिकल और कम्पिटिटिव बेस में हम दोनों चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि थ्योरी को पढ़ना मेरी समझ से एक कम्प्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एमएससी के बाद पीएचडी के लिए भी हमें एंट्रेंस में बैठना है, कंपटीशन फाइट करना है, और जब कंपटीशन फाइट करना है तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा हमें कम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। थ्योरेटिकल के पीछे भागना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भागना है, लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें थोड़ा अलग होना है। जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। जरूरत नहीं है कि ये नेचुरल ही हों, ये कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। इट मॉडिफाइज और कंट्रोल्स वन और मोर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद इन अ प्लांट, बट द साइड एक्शन इज डिफरेंट। ये एक से अधिक कारकी विकारों मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और इनका साइट ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। अब यदि हम पीजीआर का क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर, तो इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स और एग्जाम्पल्स। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कारण ये है कि हम ऑक्सीजन का जिब्रेलिन में ना कर दें, इथाइलिन का डॉर्मेंस में ना कर दें, फ्लावरिंग हॉर्मोन्स का हम जिब्रेलिन में ना कर दें। इसलिए इस टेबल को बड़ा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन्स के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं वो है IAA, IVA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2-chlorofluorophenoxy एसिटिक एसिड 240। जिब्रेलिन के अंतर्गत यदि कुछ आता है तो वो है जिब्रेलिक एसिड, 2-chloro-diphenoxy एसिटिक एसिड। यदि हम साइटोकाइनिन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है काइनेटिन और जीएटिन। इथाइलिन की बात करते हैं तो इसमें आता है इथाइलिन। डॉर्मिन्स की बात करते हैं तो इसमें आता है एब्सिसिक एसिड। फ्लावरिंग हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो इसमें आता है फ्लोरिजिन, एंथेजिन, वर्मेलिन। मिसलेनियस नेचुरल सबस्टांसिस जो हैं उसमें है सिस्टिरॉल्स, वाइटमिन्स, फाइटोक्रोम्स, ट्रोमेटिक सबस्टांसिस एसेक्ट्रा। फिनोलिक सबस्टांसिस में है क्योरेमिन। सिंथेटिक ग्रोथ रिटार्डेंट्स की बात करें तो उसमें CCC, फॉस्फोन, फॉस्फोन डी, मॉर्फोफेक्टॉन, मैलिक हाइड्रोजेट, MH एसेक्ट्रा। मिसलेनियस सिंथेटिक सबस्टांसिस की यदि हम बात करें तो इसमें सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं, सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स हैं एसेक्ट्रा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया गया है। अब यदि हम देखें तो हमने अपनी स्लाइड में बनाया है, एक तो है इसका अपर पोर्शन, एक है लोअर पोर्शन, एक है मिडिल पोर्शन। तीन पोर्शंस में इस प्लांट्स को हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं जहां हमने एरो बनाया है कि पॉलिन ट्यूब एलोंगेशन, पॉलिन ट्यूब का एलोंगेशन जो है अपर साइड में, इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम देख रहे हैं फ्लावरिंग, फिर हम देख रहे हैं पॉलिन एंड एंथर डेवलपमेंट, फिर हम इसको स्ट्रेस टॉलरेंट और पेटियोल एलोंगेशन को भी दर्शाया है, ठीक है। राइट साइड में यदि देखा जाए तो ये दिख रहा है स्टोमेटा डेवलपमेंट, सूट इलोंगेशन, वस्कुलर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एकदम रूट के तरफ यदि हम जाएं तो सिंसेंस दिख रहा है रूट के थोड़ा सा ऊपर, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन दिख रहा है, प्राइमरी रूट इलोंगेशन दिख रहा है, लेटरल रूट फॉर्मेशन दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से उसमें बताया है। तो इससे यदि किसी प्लांट के सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के पैरामीटर्स को हमें जज करना हो तो हम इन सब चीज़ों को, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को इन सब करेक्टर्स में डिवाइड करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यदि हम स्लाइड नंबर 5 की बात करें तो इसमें पीजीआरस के मेजर क्लासेस को डिवाइड किया गया है कि पीजीआरस के मेजर क्लासेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है सबसे डोमिनेंट पीजीआर है, ठीक है। जिब्रेलिन्स ये भी डोमिनेंट पीजीआर है, साइटोकाइनिन्स ये थोड़ा उससे कम है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स ये तीन होते हैं
और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये दो होते हैं। इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में किसी तरीके की कोई वो तो नहीं है कन्फ्यूजन, क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की जब हम बात करेंगे तो हम ऑक्सिन, ज़िबरेलिन और साइटोकाइनिन का नाम लेंगे, जब हम इनहिबिटर्स का नाम लेंगे वहाँ एथाइलिन और एब्सिसिन आएगा। इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए कि हमने प्रोमोटर्स में इथाइलिन कर दिया या एब्सिसिक एसिड कर दिया, ठीक है, इनहिबिटर्स में हमने ऑक्सिन कर दिया, तो यहाँ हम बहुत भारी गलती करेंगे। इसलिए हम सब स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि इस फंडे को थोड़ा अपना के चलना पड़ेगा। अब हम ऑक्सिन की बात करें। द वर्ड ऑक्सिन ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिनिन, टू ग्रो और इंक्रीज, टू ग्रो और इंक्रीज। ये आइसोलेट किया गया है ह्यूमन यूरिन से। इस चीज़ को आपको जैसे कम्पिटिटिव नोट्स बनाते हैं ना बच्चों, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से लिखना। जैसे हम कम्पिटिटिव नोट्स बनाते हैं तो वहाँ ऑक्सिन जब हम लिखें तो ये चीज़ जरूर लिखें कि आइसोलेट किससे किया गया, ह्यूमन यूरिन से। प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज वेरी क्लियर, यू मे अंडरस्टैंड थ्रू डायग्राम। नाउ टू डायग्राम्स इज हेयर, वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन द सब कैरेक्टर्स, नाउ रेप्लिकेशन, सिंगल ट्रांसडक्शन, इंडक्शन, और इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल देर आर मैनी गोल्गी बॉडीज आर हेयर, साइटोप्लाज्म इन द सेंटर सिचुएशन। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, mRNA इज वर्किंग। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स शोइंग क्लियरली। ठीक है, ग्रोथ प्रोटीन्स शोइंग क्लियरली। नाउ यू मे अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली। ठीक है, थ्रू दिस पिक्चर यू मे अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड। इसे हम जो है डॉर्मिन्स भी कहते हैं, आल्सो नॉन एज डॉर्मिन्स, विच एक्ट एज एंटी जिब्रेलिन। इट इज सिंथेसाइज इन लीव्स ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी ड्रॉट कंडीशंस में, रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस, हिंस एक्ट एज प्लांट स्ट्रेस हारमोन्स। स्ट्रेस हारमोन की जहाँ हम बात करेंगे वहाँ एब्सिसिक एसिड की बात आएगी, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रेस और एब्सिसिन के लिए और जो है डॉर्मिन्स किसका सब नेम है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कम टू द न्यू स्लाइड। द स्लाइड इज न्यू जनरेशन ऑफ फाइटो हारमोन्स। सबसे टेक्निकली यदि आपको हम बात बताएं तो सबसे टेक्निकली बात यह है कि PGR में ऑक्सिन, ज़िबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड ये सबने पढ़ा है, NAA सबने पढ़ा, IAA सबने पढ़ा, IBA सबने पढ़ा है, 24D सबने पढ़ा, 245D सबने पढ़ा है। लेकिन ये कुछ टर्म्स आएंगे जो कि हमने बकायदा पूरी रेफरेंस के साथ इसमें दिखाए हैं कि सेंटर एट ऑल 2009 ने ये न्यू जनरेशन फाइटो हारमोन्स का उद्भव किया, ठीक है, ओरिजिन किया। तो ये हैं द लिस्ट ऑफ फाइटो हारमोन्स एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यू केमिकल्स। फर्स्ट है ब्रेशनोस्टेरॉइड्स BR, सेकेंड है जेसमोनिक एसिड JA, थर्ड है सेलिसाइलिक एसिड SA, शॉर्ट में इसे डिनोट किया गया है, फोर्थ है पॉलीमाइंस स्ट्राइगोलेक्टोन्स SL, फिफ्थ है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सिक्स है पेप्टाइड हारमोन्स। इन छः को हमें अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, ये ब्रेशनोस्टेरॉइड्स, जेसमोनिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड, पॉलीएमीन्स, स्ट्राइगोलेक्टोन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और पेप्टाइड हारमोन्स। अब हम इनका विस्तृत मतलब ब्रीफ में थोड़ा जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिसाइलिक एसिड की। सेलिसाइलिक एसिड की यदि हम बात करें तो सेलिसाइलिक एसिड इज अ मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मोनोहाइड्रोक्सी इस टर्म को समझना होगा, जहाँ हम सेलिसाइलिक की बात करेंगे वहाँ मोनोहाइड्रोक्सी। कम्पिटिटिव पॉइंट से बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल में तो आप रट लो आँख बंद करके, कोई मतलब नहीं, आपने कॉपी में लिख दिया, आप कॉपी में लिख दोगे हम आपको नंबर दे देंगे क्योंकि आपने हूबहू लिखा है। लेकिन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स को बैठेंगे तब इस क्लू को क्लियर करना आपको
जरूरी है कि जहाँ मोनोहाइड्रोक्सी की बात आए, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात आएगी, वहाँ आप सैलिसिलिक एसिड का याद करेंगे। सैलिसिलिक एसिड इज अ मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अ टाइप ऑफ फिनोलिक एसिड एंड अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड, वाइडली यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड फंक्शन एज अ प्लांट हार्मोन, ड्राइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ सैलिसिन। इसे नोट करना कि ये सैलिसिलिक एसिड सैलिसिन के मेटाबॉलिज्म से ड्राइव हुआ है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, 1 week आफ्टर सॉइल ड्रेंचिंग और 3 weeks आफ्टर द सीड ट्रीटमेंट, सीडलिंग वर्क सब्जेक्टेड टू हीट, कोल्ड एंड ड्रॉट स्ट्रेसेस। फॉर हीट ट्रीटमेंट, सीडलिंग्स वर एक्सपोज टू 0.5 C फॉर 3 hours विद एन एवरेज लाइट इंटेंसिटी ऑफ 40 mOL/s एंड देन रिटर्न टू रूम टेम्परेचर फॉर चिलिंग स्ट्रेस, प्लांट वर एक्सपोज टू 0.5 degrees centigrade इन एन इंक्यूबेटर विद एन एवरेज लाइट इंटेंसिटी ऑफ 35 mOL/s एंड 16x8 लाइट डार्क फोटो पीरियड फॉर 2 days। इस चीज़ को थोड़ा नोट करना पड़ेगा कि सॉइल ड्रेंचिंग की जब हम प्रोसेस करेंगे या हीट ट्रीटमेंट की हम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ 35 mOL की बात करी जा रही है, 16x8 की बात की जा रही है, लाइट डार्क फोटो पीरियड की बात की जा रही है और 2 days की बात की जा रही है। इन चीज़ों को हमें कम्पिटिटिव बेस पर भी याद करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें जहाँ हमारा निष्कर्ष ये आता है कि द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल बेसिस मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ SA इंड्यूस्ड SAR सोडियम एक्टिव रेशियो इज नॉट क्लियर एट प्रेजेंट। फिर से देखो कि द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल बेसिस मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ SA इंड्यूस्ड SAR इज नॉट क्लियर एट प्रेजेंट। नाउ इन सेकेंड पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन we will talk about the similarity of the injury mechanism between pathogenesis and state leads us to hypothesize that SA which induces resistance to disease also confers tolerance to environmental stress. Now salicylic acid SA and acetyl salicylic acid ASA provide multiple stress tolerance in plant and that salicylic acid and its derivative regulate the expression of salt tolerance. यहाँ हमने जो न्यू जनरेशन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में जाना। अभी तक हम